नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश विधानसभा में। खुलवा दो शराब की दुकान। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है। दरअसल झारखंड में जेएमएम के एक विधायक की अजीबो गरीब मांग पर सियासी बवाल मच गया है। मामला शराब की दुकानों का है। बीजेपी का ये दावा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ने विधानसभा के भीतर शराब की दुकान खोलने की मांग की है, इससे उन्हें शराब खरीदने में दिक्कत ना हो। तो वहीं जेएमएम इनके साथ ही तमाम विपक्षी दल जो है इस बात का पदंगड़ इसे बना रहे हैं। कैसे ये पूरी सियासत गरमाई है, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। विधानसभा में खोलने में इतनी परहेज क्यों है? यहाँ भी खोलिए। जब जनता, जिसके प्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं, जब जनता को ही आप शराब पिला रहे हैं तो विधायकों को भी पिलाना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक के इस बयान पर पूरे झारखंड में सियासी बवाल मचा है। मामला शराब की दुकानों को लेकर रघुवर दास सरकार की नई नीति से जुड़ा था। इस पर विधानसभा में चर्चा के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहरा गोड़ा से विधायक कुणाल षडंगी ने अजीबोगरीब बात कह डाली। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरकार अब विधानसभा के परिसर में भी शराब की दुकान खुलवा दे। विधानसभा में खुलने में इतनी परहेज क्यों है? यहाँ भी खोलिए। जब जनता, जिसके प्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं, जब जनता को ही आप शराब पिला रहे हैं तो विधायकों को भी पिलाना चाहिए। इस बयान पर जमकर बवाल मचा, लेकिन बयान जो आपने सुना दरअसल उससे बात कुछ अलग है। आपको जेएमएम के विधायक का पूरा बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक की इन बातों पर राज्य में बीजेपी किस तरह सियासी बवाल मचा रही है। वो इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। ये लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, सोचते हैं कि बस हम लोग का यही काम है। यह है कि झारखंड सरकार विकास के गति पर ले जाना चाह रही है, लेकिन इनको यही सब काम दारू मैन अब तरह तरह क्या क्या करेंगे भगवान माने। ईश्वर इन्हें सदबुद्धि दे। मैं इतना ही रघुवर दास सरकार के एक और बड़े मंत्री कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्हें सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं, इसीलिए इस तरह की मांग कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले कुछ भी कर सकते हैं। जब वो खुलेआम चुम्बन प्रतियोगिता करा सकते हैं तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो बार खुलवा सकते हैं, वो डांस प्रतियोगिता करवा सकते हैं, वो अश्लीलता को बढ़ावा दे सकते हैं, वो कुछ भी अश्लीलता की हद तक वो जा सकते हैं। दरअसल झारखंड में 1 अगस्त से राज्य सरकार ने शराब वितरण और बिक्री की नई व्यवस्था लागू की। पहले शराब की दुकानों की नीलामी होती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत शराब की दुकानों पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो चुका है। सरकार ने शराब बेचने के लिए वेतन पर बकायदा कर्मचारियों की नियुक्ति कर रखी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहरा गोड़ा से विधायक कुणाल का दावा है कि उन्होंने सरकार की नई शराब नीति पर तंज कसा था। उन्होंने शराब की दुकान खोलने की कोई मांग नहीं की, लेकिन बीजेपी उनके तंज को अब गलत ढंग से पेश कर सियासत कर रही है। इनको इतनी भी समझ नहीं है कि ये कटाक्ष है जो 3 महीने पहले मैंने किया था। विधानसभा में बैठकर जिस सरकार ने जनता को शराब बेचने का निर्णय लिया, तब इन्हें शर्म नहीं आई। तो अब विधानमंडल में अगर कुछ विधायक शराब की दुकान खोलने की मांग करते हैं जो वो कटाक्ष है, तो उस पर इतनी हाय तौबा ये क्यों मचा रहे हैं? जब स्कूल और अस्पताल के बगल में आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं तो विधानसभा में खोलने में इतनी परहेज क्यों है? क्या रेवेन्यू बढ़ाने के नाम पर कल डांस बार और कैसीनोज भी खोलेंगे ये? उधर कांग्रेस का दावा है कि विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए ये बीजेपी की साजिश है और जानबूझकर वो बात का बतंगड़ बना रही है। इसकी आड़ में वो बड़े मुद्दों पर जवाब से बचना चाहती है। विधानसभा के परिसर में शराब की दुकान खोलना चाहिए, ये व्यंग था। लेकिन जिस प्रकार से बातें सामने आई, हमसे भी लोग पूछ रहे हैं, विदेश से हमसे पूछ रहे हैं, क्या विधायक जी, आप लोग तो लगता है कि शराब की दुकान की मांग कर रहे हैं क्या? लेकिन सच कुछ और है और बातें कुछ और सामने आती है। अब ये वाकई तंज था या कुछ और, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक के बयान ने सर्दी के इस मौसम में राज्य के सियासी माहौल को गर्मा जरूर दिया है। आकाश रांची, न्यूज 24।